नमेरिकल टू अ बॉडी ऑफ मास टू के जी ड्रॉप रेस्ट पोजिशन फाइव मीटर अब द ग्राउंड वट इज़ इट्स फिलोस ग्राउंड एक बॉडी है जिसका मास है टू के जी इसको रेस्ट पोजिशन से ड्रॉप करेंगे यानी इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है ज़ीरो मीटर पर सेकेंड और हाइट क्या है फाइव मीटर अब द ग्राउंड जब इसको ड्रॉप करते हैं तो ये एक हाइट पर चला जाता है जो है थ्री मीटर वहाँ पर हमने इसकी फाइनल बिलासटी मालूम करनी है सवाल पर जाने से पहले ये आप देख लें कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल एम जी होती है और कानेटिक एनर्जी इनिशियल जीरो होती है क्योंकि वेलोसिटी नहीं है और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी फाइनल होगी एम जी एच वन और कैनेटिकर्जी फाइनल होगी हाफ एम वी एफ स्क्र सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं मास गिवन है हमारे पास इनिशियल हाइट फ्रॉम ग्राउंड एच गिवन है फाइनल हाइट फ्रॉम ग्राउंड एच गिवन है इनिशियल वालासटी वी गिवन है और फाइनल वालासटी वी मालूम करनी है सोलूशन में हम सबसे पहले मेथड वन यूज करते हैं जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि इस चैप्टर में सारे सवाल इसी तरह सॉल्व करने हैं बाद में मेथड टू जो मैं आपको दिखाऊंगा वो बहुत सिंपल है लेकिन मेथड वन इसलिए क्योंकि इस चैप्टर के बहुत सारे सवाल इस फार्मूले पर सॉल्व होने हैं और वो है लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी कुछ केसेस में प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन भी होगा लेकिन चूंकि इस सवाल में नहीं है फ्रिक्शन का कोई जिक्र लिया था वो हम नहीं कर रहे अब लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा कि इनिशियली ज़्यादा थी बाद में कम होगी और गेन इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा कि बाद में ज़्यादा होगी है पहले कम थी तो यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल माइनस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल और गेन इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अब इनके फार्मूले लिख लेंगे एम जी एच माइनस एम जी एच वन हाफ एम वी एफ स्क्यर माइनस हाफ एम वी आई स्क्र कॉमन इसमें से क्या क्या ले सकते हैं यहाँ पे एम जी और यहाँ पर हाफ़ एम फर्दर इसको अब इसकी वैल्यूज डालें तो टू मल्टीप्लाई बाय नाइन पॉइंट एट मल्टीप्लाई बाय फाइव माइनस थ्री और यहाँ पे हाफ मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय वी एस स्क्र वी रेड में इसलिए रखा है क्योंकि हमने मालूम करना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो नाइनटीन पॉइंट सिक्स आ जाता है फाइव माइनस थ्री टू होता है और यहाँ पर टू और टू कट गया तो पीछे वी बन गया तो वी की वैल्यू आ गई है थर्टी नाइन पॉइंट टू दोनों तरफ स्क्वेयर रूट लेंगे तो हमारे पास फाइनल रॉस्टी हमारे पास आ जाएगी सिक्स पॉइंट टू सिक्स राउंड फिगर में हम लोग कर लेते हैं सिक्स पॉइंट थ्री मीटर पर सेकेंड फॉर अंडरस्टैंडिंग परपज आप ज़रा थोड़ी सी चीज़ समझें इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या है टू मल्टीप्लाई बाय नाइन पॉइंट एट मल्टीप्लाई बाई फाइव एट फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है टू मल्टीप्लाई बाई नाइन पॉइंट एट मल्टीप्लाई बाय थ्री फिफ्टी एट पॉइंट एट कैनेटिक एनर्जी इनिशियल जीरो थी कैनेटिक एनर्जी फाइनल हमारे पास क्या आई है हाफ़ यानी पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय सिक्स पॉइंट टू सिक्स जो एक्जैक्ट फिलिंग उसका स्क्वेयर तो ये थर्टी नाइन पॉइंट टू जोल्स है तो सम ऑफ इनिशियल एनर्जीज शुड बी इक्वल टू फाइनल एनर्जीज़ और वो आ रहा है नाइन्टी एट जॉल नाइन्टी एट जॉल मैथड नंबर टू की तरफ जाते हैं आप ये देखें कि ये लीनियर मोशन हुए हैं तो हम लोग लीनियर इक्वेशन जो हमारे पास तीन है उनमें से किसी को यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं सेकेंड इक्वेशन के अंदर तो फाइनल वेलोसिटी का जिक्र ही नहीं लगा ये तो स्किप हो गई फर्स्ट इक्वेशन के अंदर टाइम का जिक्र है हमें टाइम का कुछ नहीं बताया गया तो हमारे पास दो ऐसे वेरिएबल हो गए जो हमें नहीं मालूम टी और वी एफ लगाया ये भी नहीं यूज हो सकती थर्ड इक्वेशन में वी आई भी मालूम है वी एफ भी मालूम वी एफ मालूम करना है इधर देखें तो एक्सेलरेशन हमारे पास नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर है एस हमारे पास नहीं मालूम लेकिन वो हम लोग मालूम कर सकते हैं किस तरह से हाइट माइनस हाइट वन यानी फाइव माइनस थ्री टू मीटर तो हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर रहे हैं और इसको हम लोग दोबारा से लिख लेते हैं टू एस इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई हमने मालूम क्या करना है वी एफ तो विच विल बी टू ए एस प्लस वी आई स्क्वेयर अब इसमें वैल्यूज़ डालना शुरू करते हैं टू मल्टीप्लाई बाई नाइन पॉइंट एट मल्टीप्लाई बाय टू प्लस वी आई वी आई क्या है जीरो है अब वी एफ स्क्वेयर क्या आ जाएगा थर्टी नाइन पॉइंट टू और इससे पी की वैल्यू आ जाएगी सिक्स मीटर पर सेकेंड राउंड करके हम लोग लिख देंगे सिक्स मीटर पर सेकेंड असलम स्टूडेंट्स अगर आप चाहते हैं कि आपके टीचर ये वीडियोस बनाना कंटिन्यू रखें तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके हौसला अफजाई किया करें